2024 के अंदर आपको कौन सी कार पे जाना चाहिए? 90% फैमिलीज मारुति को प्रेफर करती हैं, तो उसके अंदर ये दो कार खड़ी हैं जो कि मोस्ट सेलिंग कार है मारुति की। फर्स्ट है अपनी वैगनार सीएनजी वेरिएंट, दूसरी है स्विफ्ट का VXI, जो दोनों कार के वेरिएंट है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी और सबसे ज्यादा बिकने वाली वेरिएंट है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई चाबी से। तो स्विफ्ट की ऐसी कुछ चाबी मिलती है आपको जिसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग, रिमोट लॉकिंग मिल जाएंगी, लॉक और अनलॉक में स्विफ्ट ऐसे बीप करती है, दो बार अनलॉक पे आवाज करेगी। वही बात करते हैं वैगनार पे, इसमें आपको रिमोट लॉकिंग नहीं मिलेगी, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएगी। रिमोट लॉकिंग का मतलब तो ये रिमोट हो गया, सेंट्रल लॉकिंग वो होगी अगर आप एक दरवाजे को अंदर से मैन्युअली बंद करोगे तो तीनों के बाकी बंद हो जाएंगे साथ में बूट, मतलब पूरी कार लॉक हो जाएगी। इसमें फ्लिप की करवाई हुई है जिससे कि लॉक अनलॉक का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। फ्रंट प्रोफाइल से बात करते हैं, वैगनार का ये LXI ऑप्शनल वेरियंट है जिसमें कि आपको सिंगल एयरबैग मिलेगा और जो इसमें हेडलाइट सेटअप है, फॉग लैंप आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, जो आपको हेलोजन ऊपर की तरफ लाइट मिलेंगी, वहीं सेम स्विफ्ट का ऊपर हेलोजन की लाइट मिलेंगी, जो नीचे फॉग लैंप है भाई अपना वो आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। फ्रंट प्रोफाइल में फिर और चीज़ें देखते हैं, जो इसमें ग्रिल है रेडिएटर ग्रिल स्विफ्ट की, ऐसी कुछ बड़ी हुई है बिल्कुल रेडिएटर के सामने है ताकि हवा अच्छे से पास हो जाए। वही वैगनार के रेडिएटर के बिल्कुल सामने से थोड़ी सी नीचे दी हुई है ग्रिल, इसका रेडिएटर भी आई होप नीचे ही होगा। बात करते हैं भाई ग्राउंड क्लियरेंस की, सामने से देखने पर है भाई स्विफ्ट का ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है वैगनार से, लेकिन जो बीच में से ग्राउंड क्लियरेंस है वो वैगनार का ज़्यादा पड़ता है स्विफ्ट से। फिर उसके बाद फ्रंट प्रोफाइल में जैसे कि हेडरेस्ट हो गए, हेडरूम, लेग रूम, ये चीज़ें होगी भाई आपको इस वैगनार में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। इंटीरियर से बात करते हैं तो पहले वैगनार में चलते, उससे पहले हमें ये दिख गया है जो स्विफ्ट का VXI वेरियंट है उसमें आपको मिरर में इंडिकेटर माउंटेड मिल जाएगा, LXI में आपको ब्लैक मिलेगा, सेम जैसे कि बताया भाई ये LXI वेरियंट है तो इसमें ऐसा कुछ आपको इंटीरियर मिलेगा, ब्लैक डोर है, बॉडी कलर डोर नहीं है क्योंकि LXI वेरिएंट है ये। अब अंदर बैठते हैं, अंदर से वैगनार का आपको ऐसा कुछ इंटीरियर देखने को मिल जाएगा जो कि बीच और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। स्टीयरिंग व्हील पर आपको कोई कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, पावर विंडो फ्रंट दो मिलेंगे, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन मिलेगी, मिरर लॉक अनलॉक, कार अनलॉक अनलॉक, इधर CNG का बटन मिल जाएगा। बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से, इसमें हम इग्निशन ऑन करते हैं, ये लॉक हो गया भाई, ये थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहां पर देखिएगा इसमें हमें मिल जाता है, आरपीएमीटर नहीं मिलता इसमें, स्पीडोमीटर मिल जाएगा, नीचे छोटी सी MID मिल जाएगी जिसमें कि काफी कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे CNG का दिखा रहा है कि कार CNG पे स्टार्ट होगी, पेट्रोल इतना है, CNG इतनी है, हम इसको कर सकते हैं ट्रिप ए ट्रिप बी, रेंज वगैरह दिखाता है, काफी चीजें दिखाता है। जो मेन फीचर है इसमें आरपीएमीटर आपको दिया नहीं हुआ है। फिर इसके AC वेंट्स हो गए, AC वेंट्स ऐसे कुछ तरह के मिलते हैं इसमें, ये देखिएगा बीच में से बिल्कुल खाली मिलता है, कार में कोई भी स्पीकर नहीं मिलता, सारा काम आफ्टर मार्केट हुआ है। जो ये एंड्रॉइड हो गया अपना भाई, ये भी आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं देती है। बात करें गियर नॉब की, तो गियर नॉब आपको बिल्कुल ब्लैक देखने को मिल जाएगा क्योंकि हालांकि ये LXI वेरिएंट है। AC कंट्रोल, सारे हीटर कंट्रोल जो भी हैं सभी आपको मैनुअल देखने को मिलेगा। जो क्लब बॉक्स है, क्लब बॉक्स ऐसा कुछ मिल जाता है। तो हाँ भाई, इसमें दो एयर बैग है, यहाँ भी लिख रखा है SRS एयर बैग। जो आपको ग्रैब हैंडल्स वगैरह मिलेंगे अंदर की तरफ बाहर की तरफ, मतलब भाई वो सारे आपको ब्लैक कलर में मिलेंगे, ग्रैब हैंडल थोड़ा बीच में है लेकिन जो डोर हैंडल है अंदर से पूरे ब्लैक में है, कोई सॉफ्ट टच का काम नहीं, कपड़े का कुछ काम नहीं है, ये फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट कार है। अब सीट है मेरी भाई 6 फीट हाइट है तो उसके हिसाब से सीट एडजस्ट है ये। अब इसी हिसाब से पीछे का देखते हैं कि आपको पीछे की तरफ कितना क्या स्पेस मिल जाएगा। तो भाई बूट से बात कर लेगी कि इसमें बूट अच्छा मिलता है, दोनों का बूट खोल लें। इसमें देखिएगा आपको सिलेंडर रखा मिला है और पीछे अलग से स्टेप नहीं है, लेकिन उसके बाद ये पार्सल ट्रे को आप कर देंगे तो काफी अच्छा स्पेस बच जाएगा जिससे कि आप बूट को यूज कर सकते हैं। वहीं स्विफ्ट का खोल के देखेंगे कि इसमें कितना बूट मिलेगा क्योंकि भाई ये फैमिली के लिए कार बता रहे हैं तो सारी चीजें काफी अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें अगर आप पार्सल ट्रे को हटा दोगे तो अच्छा मिलेगा, हालांकि वैगनार इससे ऊंची है, जो ये वाला एरिया वैगनार का यहाँ तक आता है, अगर लंबाई में बात करें ऊंची है, लेकिन गहराई में और चौड़ाई में भाई स्विफ्ट में आपको थोड़ा सा ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाता है। अब देखिए वो अपनी अपनी पसंद है, किसको कौन सी कार पसंद है, वैसा भाई माइलेज में फ़र्क है, प्राइस में फ़र्क है। तो वीडियो में जानकारी अच्छी लगे लाइक कर दो, चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो, धन्यवाद।